सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क पर घूमते जिन सांडों को नंदी का अवतार मानते हैं, अब अखिलेश ने उन्हीं सांडों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। जिन खुले सांड को लेकर अखिलेश सीएम योगी को अक्सर घेरते आए, उन्हीं सांड को लेकर यूपी में माहौल बनने लगा। छुट्टा जानवर बने योगी सरकार के खिलाफ विरोध का हथियार, यूपी के लोगों ने दिया बड़ा संकेत। यूपी में अन्ना पशुओं का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार को अन्ना पशुओं के मुद्दे पर घेर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की ओर से भी इन जानवरों को लेकर बड़े संकेत दे दिए गए। उस संकेत से आपको वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले अन्ना पशुओं को लेकर अखिलेश के उस बयान की ओर रुख कीजिए। इससे पहले अखिलेश ने सांडों को लेकर इतना बड़ा दावा कभी नहीं किया था जितना कि अब कर रहे हैं। यहां अखिलेश यादव सांड के मुद्दे पर बिना नाम लिए कह रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, इसकी वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई। यूपी में ट्रैफिक पुलिस में नई भर्ती हुई है जो कि हर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ये नई भर्ती है जिसकी वजह से हर दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी किसान की, किसी गरीब की जान, किसी व्यापारी की जान उस नई भर्ती की वजह से ना की जा रही हो। अब चलिए आपको बताते हैं अन्ना पशुओं के आतंक की वजह से लोगों ने योगी सरकार को क्या संकेत दिया है। दरअसल हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे लग रहा है कि अन्ना पशुओं को लेकर अब विरोध का हथियार बन रहे हैं। यूपी में प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित करने और सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए अन्ना पशुओं के झुंड को सड़क पर छोड़ना शुरू कर दिया। कई बार उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा दिया जा रहा है। यूपी के कई इलाकों में लोग राजनीतिक कार्यक्रमों को विफल करने के लिए आवारा पशुओं को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश की हालिया घटनाओं ने इसका संदेश दिया। ताजा मामला बैनर दिवस समारोह का है। समारोह में हिस्सा लेने जाने के दौरान 17 अगस्त को पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के काफिले को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। मंत्री को हालात का एहसास कराने और आवारा पशुओं के मामले में अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए इसी प्रकार का प्रदर्शन किया गया। धर्मपाल सिंह आमला सीट से एमएलए हैं। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मवेशियों को एक साजिश के तहत लाया गया, बल प्रयोग कर वहां खड़ा कर दिया गया। मंत्री ने कहा, मैंने गांव वालों से कहा ठीक है मैं सभी मवेशियों को ले जाऊंगा, क्या वो मुझे लिखित में देने को तैयार हैं कि उन्हें सड़कों पर छोड़ना बंद कर देंगे। बीजेपी सरकार की ओर से राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के बाद से आवारा मवेशियों का मुद्दा यूपी में गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी अन्ना पशुओं का मुद्दा खूब गरमाया था। विपक्ष की ओर से अन्ना पशुओं के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी गई, सरकार पर सवाल खड़े किए गए। आवारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से निशाना साधा गया।